गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, गुड मॉर्निंग अरविंद जी, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। गुड मॉर्निंग रवि, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, और अगर कोई ग्रुप है तो प्लीज अपने ग्रुप में भी स्टार्ट कर दें, इस लिंक को शेयर कर दें जिससे और भी लोग जुड़ सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम के 100 क्वेश्चन आपकी प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, और लाइव क्लासेस में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी जितनी आज तक हुई हैं, राइट? तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन। तो चलिए सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे, और मेनली ये जो पोर्शन है ये डेडलॉक से रिलेटेड आपका होगा कि किस तरह से डेडलॉक प्रिवेंट किया जाता है, कि किस तरह से डेडलॉक अवॉइड किया जाता है। तो अगर डेडलॉक का पोर्शन क्लियर होगा आपको तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 101 ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ डेडलॉक टू बी पॉसिबल? डेडलॉक अकर करे इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन, मतलब किन किन कंडीशंस में डेडलॉक आपका हो सकता है, डेडलॉक आपका अकर कर सकता है, मतलब रिसोर्सेज आपके आपस में वेट कर सकते हैं, किस कंडीशन में डेडलॉक पॉसिबल है? चलिए सभी लोग आंसर करें, किस कंडीशन में आपका डेडलॉक पॉसिबल है? तो देखो सिंपल सी बात है, डेडलॉक अकर होने के लिए आपको पता होगा कि जब नॉन शेयरेबल रिसोर्स को एक से ज़्यादा डिवाइसेस या एक से ज़्यादा सिस्टम शेयर करने की कोशिश करते हैं तो आपका डेडलॉक होता है। नॉन शेयरेबल रिसोर्स का मतलब है कि एक टाइम पे उस रिसोर्स को सिर्फ एक ही व्यक्ति यूज़ कर सकता है, साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा डिवाइसेस उसका यूज़ नहीं कर सकती, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, राइट? तो इनको क्या है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस या एक ही डिवाइस यूज़ कर सकती है, एट अ टाइम की बात हो रही है, साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर होगा कि किसी भी रिसोर्स को एक टाइम पे एक ही डिवाइस यूज़ कर सकती है तो डेडलॉक हो सकता है, कि पता चला कि एक से ज़्यादा डिवाइसेस उसके लिए रिक्वेस्ट करिए और एक टाइम पे एक डिवाइस उसको यूज़ करिए, तो बहुत सारी तो वेटिंग कंडीशन में जाएंगी, और जैसे ही वेटिंग कंडीशन की वेटिंग कंडीशन आती है डेडलॉक आपका आकर हो सकता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक रीजन हो सकता है आपके डेडलॉक का। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अ प्रोसेस में होल्ड एलोकेटेड रिसोर्स वाइल अवेटिंग असाइनमेंट फॉर अदर रिसोर्सेज। होल्ड एंड वेट की जब कंडीशन होती है, होल्ड एंड वेट की, कि एक रिसोर्स होल्ड करके रखा है और दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, राइट? एक रिसोर्स होल्ड करके रखा है और दूसरा हम वेट कर रहे हैं कि जब वो रिसोर्स मिले तो हम म्यूचुअल तो हम आगे प्रोसेस करें। नेक्स्ट, नो रिसोर्सेज कैन बी फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम अ प्रोसेस होल्डिंग इट, जिसको हम बोलते हैं नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन की कंडीशन अगर होती है तो भी आपका डेडलॉक अकर हो सकता है। नो प्रिम्पशन का क्या मतलब है कि जब तक पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उस रिसोर्स को नहीं छोड़ना है, तब तक स्विच नहीं करना है, तो नो प्रिम्पशन की कंडीशन में भी डेडलॉक अकर होता है। एंड फोर्थ कंडीशन आपकी क्या होती है, दैट इज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट का मतलब कि गोल 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 एक रिसोर्स, मान लीजिए ये दो प्रोसेसेस हैं तो ये इसके लिए वेट कर रही है, ये इसने होल्ड करके रखा है, ये इसके लिए वेट करी और ये इसने होल्ड करके रखा है, तो ये क्या है, सर्कुलर वेट की कंडीशन है कि एक रिसोर्स होल्ड किया और दूसरे के लिए वेट कर रहा है। दूसरे के साथ भी यही कि एक होल्ड करके रखा है और उसके लिए वेट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। तो ये चार कंडीशन होती हैं, नेसेसरी कंडीशन है आपके डेडलॉक होने की। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन में, डी, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट। सेफ स्टेट क्या होती है कि आपका सिस्टम
डेडलॉक के कंडीशन में नहीं जाएगा, तो सेफ स्टेट होगा यदि द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड अ डेडलॉक. देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस ऑल ऑफ द मेंशन एंड नन ऑफ द मेंशन. तो एक सिस्टम आपका सेफ स्टेट में कब होगा, एक सिस्टम सेफ स्टेट में कब होगा, जब हमें पता है कि हमारे पास एक सेफ सीक्वेंस है. सेफ सीक्वेंस क्या है कि डिवाइसेस को या सिस्टम को रिसोर्सेज इस तरह से एलोकेट किए जाएं कि सभी लोग अपना काम भी पूरा कर लें और डेडलॉक की कंडीशन भी अकर ना हो. तो अगर हमारे पास सेफ सीक्वेंस है तो भी हमारा सिस्टम क्या होगा, सेफ स्टेट में होगा. और दूसरा, द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड अ डेडलॉक. जब डेडलॉक अवॉइडेंस की बात आती है तो भी सिस्टम आपका सेफ स्टेट में होता है. ठीक है, तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन. ठीक है, यस मृत्युंजय, वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 या आज का थर्ड क्वेश्चन है. द सर्कुलर वेट कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सर्कुलर वेट कंडीशन को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, डिफाइनिंग अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स टाइप या यूजिंग थ्रेड्स या यूजिंग पाइप्स. आप थ्रेड्स का यूज, अब थ्रेड्स क्या है, थ्रेड्स होते हैं अगर कोई एक प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं या कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं. इसको इजीली समझो कि आपके पास मान लीजिए आपने एक मूवी रन की है किसी मीडिया प्लेयर पे, तो अब मूवी के साथ साथ एक तरह से इमेजेस हैं. मूवी क्या होती है, आपके नंबर ऑफ इमेजेस जो कि फ्रीक्वेंटली 60 पर सेकेंड या 70 पर सेकेंड मूव कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे आपका क्या है कि एक मूवी रन हो रही है, एक थ्रेड, दूसरे थ्रेड से साथ ही साथ वॉइस भी आपकी रन हो रही है ना, और तीसरे थ्रेड से आप अगर सबटाइटल चला के रखें तो सबटाइटल भी रन हो रहा है. तो एक ही मूवी में आपके मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू उस पूरी की पूरी मूवी आपकी रन हो रही है उस प्रोसेस में, राइट. तो इसको हम थ्रेडिंग बोल सकते हैं. तो आप बताएं कि अगर हमें सर्कुलर वेट की कंडीशन को प्रिवेंट करना है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डिफाइनिंग अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स टाइप. तो सिंपल सी बात है, अगर हम लीनियर ऑर्डर डिफाइन कर देंगे रिसोर्स टाइप का, लीनियर ऑर्डर इन द सेंस कि हम जितने भी रिसोर्स टाइप हमारे पास हैं उनको हम एक सीक्वेंस में कि कितने प्रोसेसेस को कौन सा कितने रिसोर्सेज चाहिए और कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है किसी प्रोसेस को, अगर एक लीनियर ऑर्डर में हम दिखा देंगे या उनको रख देंगे रिसोर्सेज को, तो आपका क्या हो जाएगा, डेडलॉक सर्कुलर वेट की कंडीशन प्रिवेंट हो जाएगी. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन में सही हो जाएगा, आपका ए, ओनली ए, डिफाइनिंग अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स टाइप्स. ठीक है, डी नहीं, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यूजिंग थ्रेड एंड यूजिंग पाइप्स नहीं होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि थ्रेड का यूज करके हम डेडलॉक प्रिवेंट कर सकते हैं, इवन मल्टी थ्रेडेड जो प्रोसेस होते हैं वो डेडलॉक कंडीशन को और आप कह सकते हैं कि डेडलॉक कंडीशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि एक रिसोर्स में सॉरी एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स रन कर रहे हैं और उन मल्टीपल थ्रेड्स को अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए. और हो सकता है कि मान लीजिए दो थ्रेड्स को तो रिसोर्स मिल गया, एक थ्रेड वेट कर रहा है रिसोर्स के लिए. ठीक है, तो जब तक उसको आपका रिसोर्स नहीं मिलेगा तब तक प्रोसेस रन नहीं होगा, तो डेडलॉक कंडीशन अकर हो सकती है. ठीक है, तो अगर मल्टीपल थ्रेड्स आप यूज़ कर रहे हैं तो डेडलॉक की कंडीशन अकर होती है, ना कि प्रिवेंट होती है. ठीक है, सर्कुलर वेट में अगर हम लीनियर ऑर्डर में रिसोर्सेज को रख देते हैं तो आपका सर्कुलर वेट प्रिवेंट किया जा सकता है. चले नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम. इनमें से कौन सी डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है, डेडलॉक्स को अवॉइड करने के लिए कौन सी एल्गोरिदम है. ठीक है, प्रिवेंट करने से ज्यादा अच्छा है कि हम अवॉइड करें. ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिदम, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, एलिवेटर एल्गोरिदम या कर्न्स एल्गोरिदम. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर कर्न्स एल्गोरिदम की आप बात करें तो ये तो आपका क्या होता है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है कि इसमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना या टीसीपी में जो ट्रांसफर सिस्टम है उसको आपका मैनेज करने के लिए कर्न्स एल्गोरिदम आपका यूज हो रहा है. एलिवेटर एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो आपने डिस्क स्कैनिंग पढ़ी होगी, राइट, कि किस तरह से जो डिस्क होती है उसको हम स्कैन करते हैं, उसके लिए एलिवेटर एल्गोरिदम आपकी यूज होती है. नेक्स्ट, राउंड रोपिंग एल्गोरिदम आपके स्केड्यूलिंग के लिए यूज की जाती है. बैंकर्स एल्गोरिदम है जो कि आपके डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज की जाती है. ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बैंकर्स एल्गोरिदम इज द करेक्ट वन.
नेक्स्ट आपका है अ प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन मल्टीटास्किंग व्हेन अ प्रोसेस इज परपेचुअली डिनाइड नेसेसरी रिसोर्सेज इज कॉल्ड. मतलब परपेचुअली का मतलब होता है कि लंबे समय तक, है ना, कि किसी भी चीज को आप लॉन्ग टाइम तक एक तरह से आप होल्ड पे रखें या उसको डिनाइल मोड पे रखें. नाउ एक प्रॉब्लम अनकाउंटर्ड इन मल्टीटास्किंग व्हेन अ प्रोसेस इज परपेचुअली डिनाइड नेसेसरी रिसोर्सेज इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, डेडलॉक, स्टार्वेशन, इन्वर्जन या एजिंग. ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कब आती है, जब मल्टीटास्किंग में लंबे समय तक रिसोर्स के लिए उस किसी भी प्रोसेस को डिनाइल मोड में रखा जाता है, क्या लंबे समय तक वो प्रोसेस वेट करता रहता है. इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बोला जाता है स्टार्वेशन. ठीक है, इसको बोला जाता है स्टार्वेशन. स्टार्वेशन मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपको भूख लगी है, आपको बहुत क्रेविंग हो रही है बट आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो आप स्टार्वेशन की कंडीशन में पहुंच जाते हैं. तो लंबे समय तक जब आपको रिसोर्सेज नहीं मिलते तो वो कंडीशन भी स्टार्वेशन की कंडीशन में आती है. ठीक है, तो फिफ्थ का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. वेरी गुड. नहीं, डी नहीं, देखो डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक जब आपके आप रिसोर्स आपको चाहिए बट नहीं मिल रहा है, तो वो चाहे लंबे समय के लिए नहीं मिल रहा हो चाहे प्रेजेंट टाइम पे नहीं मिल रहा हो, राइट. अगर सर्कुलर वेट वाली कंडीशन आ गई तो वो तो डेडलॉक कंडीशन कंफर्म है, या होल्ड एंड वेट या म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो डेडलॉक आपका अकर हो गया. इन्वर्जन की बात करें तो प्रायोरिटी इन्वर्जन जो टर्म है वो प्रायोरिटी के अंदर आता है. प्रायोरिटी इन्वर्जन की आपकी जो लो लेवल प्रायोरिटी है उसकी प्रेफरेंस हाई हो गई और हाई लेवल की लो हो गई, तो ये क्या हो गया, प्रायोरिटी इन्वर्जन हो गया. और ये कब होता है, जब आपका बहुत देर तक रिसोर्सेज को जब हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करते हैं या फिर आप सेमाफर का यूज़ करते हैं सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश करते हैं प्रोसेसेस में, या कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर रही है तो लो लेवल पहले क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर रही है और हाई लेवल वेट कर रही है, क्योंकि आपको पता है क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस अगर जाती है तो जब तक कंप्लीट नहीं कर लेगी तब तक वो वापस नहीं आएगी, राइट. तो क्रिटिकल सेक्शन जो भी प्रोसेस एक्सेस कर रही है तो अगर वो लो लेवल है और उसके लिए हाई लेवल को वेट करना पड़ता है, तो इस तरह की जो कंडीशन बनती है दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी इन्वर्जन. एजिंग कंडीशन कब बनती है, जब आपका मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग होता है. वहां पे क्या है, मल्टीपल क्यूज हैं आपकी और हर क्यू में प्रायोरिटी वाइज प्रोसेसेस को रखा है और पता चला एक क्यू में बहुत देर से एक प्रोसेस वेट कर रही है और हाई प्रायोरिटी की जो प्रोसेसेस है वो आए जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि वो जो लो प्रायोरिटी है उसको भी मौका मिले, तो उसका उसकी क्या कर देंगे, एजिंग. मतलब कि ये बहुत दिनों से यहाँ पे बहुत टाइम से इस प्रोसेस क्यू में है तो उसका हम एज इंक्रीज कर देंगे, दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजिंग. ठीक है, तो डी नहीं होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, टू अवॉइड डेडलॉक. अगेन जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें, अगर आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी, गलत आंसर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है. ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं चल रही है यहाँ पे, गलत आंसर ही करो बट करो, है ना. चलो, टू अवॉइड डेडलॉक, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट. रिसोर्स एलोकेशन मस्ट बी डन ओनली वंस. ऑल डेडलॉक्ड प्रोसेस मस्ट बी अबॉर्टेड या इन्वर्जन टेक्निक कैन बी यूज. अवॉइड करना है हमें डेडलॉक को, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग आंसर करें. जितने भी लोग हैं सभी लोग आंसर करें. क्वेश्चन नंबर 106, जल्दी से बताइए. देखो, डेडलॉक अवॉइड करने के लिए हमें अगर पहले से ही पता है कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं और कैसे कैसे उनको एलोकेट करना है तो आसान हो जाएगा, राइट. हम ऑटोमेटिक डेडलॉक पहले से ही अवॉइड कर देंगे, है ना. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देयर मस्ट बी अ फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट. अगर हमारे पास एक फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं एलोकेट करने के लिए तो डेडलॉक को अवॉइड किया जा सकता है और हमें पता है कि किस प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, राइट. चलें, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड बाय अ प्रोसेस, द नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड बाय अ प्रोसेस मस्ट ऑलवेज बी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम. बी है आपका, मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम. सी है, मस्ट नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन सिस्टम. या डी है, मस्ट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम. तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड, जितने रिसोर्स रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, कौन सा ऑप्शन गलत है पहले इस पर फोकस करते हैं.
नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड मस्ट एक्सीड, मतलब जितने हमारे पास अवेलेबल, सिंपल सी बात है, जितने रिसोर्स अवेलेबल हैं उससे ज्यादा अगर एक्सीड हो जाएगा तो क्या हम फुलफिल कर पाएंगे? नहीं. तो डी तो यहीं पे गलत हो गया. मस्ट ऑलवेज बी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम. यस, इट मे और मे नॉट बी वाली कंडीशन की बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए कि लेस देन तो होना ही चाहिए. सॉरी, मस्ट ऑलवेज बी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम. तो यस, जितने भी रिसोर्स हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कम होने चाहिए, बट आगे भी देख लेते हैं, हो सकता है कोई और ऑप्शन भी हमें करेक्ट मिल जाए. मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम, हमेशा इक्वल होने चाहिए. नहीं, देखो एक चीज और है यहाँ पे, वर्ड लग रहा है मस्ट, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि जितने रिसोर्स हैं उतने रिसोर्स. जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस को चाहिए 5 रिसोर्स और आपके पास है 7 रिसोर्स, तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी? क्या ये हमेशा होगा कि अगर जितने रिसोर्स अवेलेबल हैं उतने ही रिसोर्स रिक्वेस्ट होने चाहिए? तो बी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत. सी क्या है, मस्ट नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम, बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे इस वाली कंडीशन में अगर आएंगे ये भी आपका करेक्ट है, बट कहाँ से ये गलत हो रहा है, इसमें बोल रहे हैं मस्ट ऑलवेज बी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम. तो ये कह रहे हैं कि हमेशा अगर आपके पास 7 रिसोर्स अवेलेबल हैं, राइट, ये कह रहे हैं अगर आपके पास 7 रिसोर्स अवेलेबल हैं तो रिक्वेस्टेड रिसोर्स हमेशा 5 होंगे 6 होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 या 6 हो सकते हैं, लेकिन 7 नहीं हो सकता, है ना. मस्ट वर्ड लगने से ये कह रहे हैं कि सिर्फ 7 से हमेशा छोटे ही होने चाहिए. बट आप सोचो कि अगर 7 अवेलेबल हैं और 7 ही रिक्वेस्ट कर लिए गए तो क्या फुलफिल नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो ये कंडीशन भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी. तो यहाँ पे देखो सी, मस्ट नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम. ये कह रहे हैं कि कभी भी अवेलेबल रिसोर्सेज ज्यादा की मांग नहीं होनी चाहिए. तो ये सही है, या तो इतनी मांग कर लो या इससे कम मांग कर लो, राइट. तो सी ऑप्शन इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. यस, लेस देन इक्वल टू, तो इसी वजह से ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है. चलो, तो सिर्फ वर्ड से खेलना था, ये भी सही लग रहा है, बट यहां पे देखो ये आधा अधूरा सही है, ठीक है. चलो नेक्स्ट, वट आर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम. मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम आपका क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक मीडिया प्लेयर का. ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर कोई वेब सर्वर है ना, आप अगर कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो वो वेबसाइट सिर्फ आप विजिट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक टाइम पे. अगर मान लीजिए मैं कोई शॉपिंग ऐप देखती हूँ, ठीक है, अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, और फ्लिपकार्ट आपका एक सर्वर पे रखा हुआ है. तो मान लीजिए एक सर्वर की तो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर है ना, बहुत सारे सिस्टम्स पे रखा हुआ है. एक ही सिस्टम की बात करते हैं तो एक सिस्टम अगर एप्लीकेबल है 1 से 1000 रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, तो सोचिए एक ही वेबसाइट पे 1000 थ्रेड क्रिएट किए गए, उन थ्रेड्स के थ्रू सबकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जा रहा है, ठीक है. तो इसको बोला जाता है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम या मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस. अब क्या है, वट आर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स, लेसर प्रोन टू डेडलॉक्स, मोर प्रोन टू डेडलॉक्स, नॉट एट ऑल प्रोन टू डेडलॉक्स, या नन ऑफ द मेंशन. कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कि अगर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम है तो उनमें डेडलॉक होगा या डेडलॉक नहीं होगा, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अगर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम है तो डेडलॉक अकर होगा या डेडलॉक नहीं अकर होगा? पी, बिल्कुल, वेरी गुड स्मृति. मोर प्रोन टू डेडलॉक्स क्यों? क्योंकि आप देखें कि आप मल्टीपल थ्रेड्स हैं, राइट, और सारे थ्रेड्स आपके जो भी रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं. अब पता चला कि 2 लोग एक ही रिक्वेस्ट लेकर आ गए, अगर हम इसकी बात करें, वेबसाइट्स की बात करें, वेब सर्वर जो रिक्वेस्ट सर्व कर रहे हैं, तो एक ही जगह से एक थ्रेड को रिक्वेस्ट फुलफिल करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट, होल्ड एंड वेट की कंडीशन, कि एक की रिक्वेस्ट आपने आधी फुलफिल कर दी है, दूसरे के लिए वेट करें कि पहला वाला छोड़े तो हम दूसरे वाले के को जो भी एक्सेस है उसको ग्रांट करें, राइट. तो मल्टी थ्रेडेड जो आपका इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें डेडलॉक अकर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. सी कौन बोल रहा है, प्रदीप जी? सी नहीं होगा, नॉट एट ऑल प्रोन टू डेडलॉक, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सोचो एक ही प्रोग्राम में,
ठीक है, ये क्या है, एक ही प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत है और आप मल्टीपल लोकेशन से उन रिसोर्सेज को लेने गए हो, तो ऑब्वियसली बातें कोई ना कोई अटका देगा। और अगर सिंपल एक ही थ्रेड है तो इसको जब रिसोर्स मिलेगा ये अपना काम पूरा कर रहा है। यहाँ पे डिपेंड कर रहा है चार चीज़ों पर, है ना, चार अलग अलग थ्रेड्स हैं और जब इन सबको रिसोर्स ग्रांट होगा तब ये प्रोसेस रन होगा। यहाँ पे सिर्फ एक थ्रेड है और जब ये इसको रिसोर्स ग्रांट होगा तो ये रन करेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ती है उतना ज्यादा डेडलॉक के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर अ डेडलॉक टू अराइज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली। डेडलॉक के लिए कौन सी कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड करनी चाहिए? सिंपल, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई गेस रिपीट है ना, उसमें सिंपल स्टेटमेंट वाइज दिया था, इसमें आपको टर्म्स दे दिए हैं कि डेडलॉक के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन है ये आपको बताना है। डेडलॉक के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन है जल्दी से आंसर करिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नॉन प्रिम्पशन, होल्ड एंड वेट, एंड एक कंडीशन और होती है आपकी सर्कुलर वेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीन कंडीशन यहां पर आपको दी गई है, एक कंडीशन और आप लिख सकते हैं, दैट इज सर्कुलर वेट, है ना। चलो तो ये चारों कंडीशन मिलकर आपके डेडलॉक, अगर ये चार कंडीशन है तो डेडलॉक तो कंफर्म है, पक्का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 या 110 आप बोल सकते हैं, यस डी नहीं सी नहीं होगा प्रदीप जी, डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन टू प्रिवेल इन द सिस्टम एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिवेल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? द प्रोसेसर मस्ट बी अ यूनी प्रोसेसर रैदर देन अ मल्टी प्रोसेसर, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन रिसोर्स इन अ शेयरेबल मोड या ऑल ऑफ द मेंशन। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन अकर हो आपके सिस्टम में उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, या म्यूचुअल एक्सक्लूजन आप कब यूज करते हैं, बस ये आपको बताना है। प्रिवेल मतलब अवेलेबल काइंड ऑफ, या प्रिवेल मतलब कब हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हो। एग्जैक्टली मुझे प्रिवेल की का शाब्दिक अर्थ हिंदी वो नहीं पता है, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, प्रिवेल मतलब जो अवेलेबल करना है आपको। फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन टू प्रिवेल इन द सिस्टम At least one resource must be held in a non-shareable mode. The processor must be a uniprocessor rather than a multiprocessor. There must be at least one resource in a shareable mode. आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ए और कोई आंसर? डी all of the above mentioned. और कौन सा करेक्ट है? ए, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली जो प्रॉपर्टी है वो कब फॉलो की जाती है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो कि अगर दो प्रोसेस एक रिसोर्स के लिए आपका एक रिसोर्स को यूज करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो रिसोर्स अगर शेयरेबल मोड में है कि उसको शेयर किया जा सकता है, कहने का मतलब कोई फाइल है जो कि रीड ओनली मोड में है, तो दो प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट करेंगी उसके लिए तो दोनों प्रोसेस को वो ग्रांट हो जाएगा, राइट। तो यहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब कि एक टाइम पे एक रिसोर्स अगर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रही है, सॉरी एक प्रोसेस अगर उस रिसोर्स को एग्जीक्यूट कर रही है, उस रिसोर्स को होल्ड कर रही है, तो दूसरी नहीं कर सकती है ना। तो जब नॉन शेयरेबल मोड होगा तभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली बात आएगी। अगर शेयरेबल मोड है, शेयरेबल मोड का मतलब अगर कोई फाइल है रीड ओनली, आपको सिर्फ उसमें पढ़ना है, उसको लिखना नहीं है उस पर कुछ भी, है ना, तो एक से ज्यादा लोग उसको ओपन कर सकते हैं, उस रिसोर्स को एक से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी ये हो कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि ये लाइव क्लास चल रही है, तो एक से ज्यादा लोग, और ये किस मोड में है, आप सिर्फ देख सकते हैं इसको या कमेंट कर सकते हैं, तो एक से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी यहीं पे एक टेस्ट हो, राइट, एक टेस्ट हो, तो क्या एक टेस्ट कॉपी, जो टेस्ट कॉपी है, सेम टेस्ट कॉपी सभी लोग यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिसकी जिसके नाम की जो टेस्ट कॉपी होगी वो रिसोर्स वही यूज करेगा, राइट। तो एक टाइम पे उस टेस्ट कॉपी में सिर्फ एक ही व्यक्ति
लिख सकता है। तो इसको आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ नॉन शेयरेबल मोड पे ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड। और एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा और समझने के लिए, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, आप एक से ज्यादा रिक्वेस्ट, मतलब मान लीजिए दो लोग हैं और दो लोगों ने प्रिंट की कमांड दी, और जब प्रिंट की कमांड दे रहे हैं तो यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, सेम टाइम पे भी दिया गया है तो भी कुछ माइक्रोसेकेंड का फर्क होगा। तो एक टाइम पे जिसकी रिक्वेस्ट पहले आएगी, प्रिंटर पहले उसकी रिक्वेस्ट लेगा, फिर उसके बाद दूसरे की रिक्वेस्ट लेगा, क्योंकि प्रिंटर आपका कैसा है, नॉन शेयरेबल मोड में है या नॉन शेयरेबल रिसोर्स है। ये साइमल्टेनियसली दो लोगों की रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर सकता, अगर करेगा तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसको क्या करना है, अलग अलग प्रिंट करके देना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ए, ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर अ होल्ड एंड वेट कंडीशन टू प्रिवेल, होल्ड एंड वेट कंडीशन के लिए क्या चाहिए हमें, अ प्रोसेस मस्ट बी नॉट बी होल्डिंग अ रिसोर्स बट वेटिंग फॉर वन टू बी फ्रीड एंड देन रिक्वेस्ट इज रिक्वेस्ट टू एक्वायर इट। अ प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग टू अक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज दैट आर बींग हेल्ड बाई अदर प्रोसेसेस, या अ प्रोसेस मस्ट होल्ड एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड नॉट बी वेटिंग टू अक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज। तो सी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि होल्ड एंड वेट की कंडीशन में क्या है कि एक प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्स को होल्ड करके रख रही है और बाकी सारे प्रोसेसेस के लिए वेट कर रही, रिसोर्सेज के लिए वेट करी कि जब वो फ्री हो तो वो हमको मिल जाए। अब ए और बी में आपको बताना है कौन सा वाला करेक्ट होगा, ए और बी में बताएं कौन सा वाला करेक्ट होगा। तो देखो ए को फिर से पढ़ो, अ रिसोर्स मस्ट बी नॉट, मस्ट नॉट बी, अ रिसोर्स मस्ट नॉट बी होल्डिंग अ रिसोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ही गलत है। ठीक है, मस्ट नॉट बी होल्डिंग, अगर कोई भी रिसोर्स होल्ड नहीं कर रहा है बट वेटिंग फॉर वन टू बी फ्रीड, अगर कोई भी रिसोर्स होल्ड नहीं कर रहा है और सिर्फ वेट कर रहा है कि जब कोई दूसरा रिसोर्स को फ्री कर देगा तो हम ले लेंगे, तो यहाँ पे होल्ड एंड वेट वाली तो कंडीशन बनेगी नहीं, सिर्फ वेट वाली कंडीशन बन रही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट है, डेडलॉक प्रिवेंशन इज अ सेट ऑफ मेथड्स, डेडलॉक प्रिवेंशन इज अ सेट ऑफ मेथड्स, किसके किस कि, कौन कौन से सेट हैं, टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस कैन नॉट होल्ड, दूसरा है टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ द नेसेसरी कंडीशन डू नॉट होल्ड, तीसरा है टू डिसाइड इफ द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज फॉर अ प्रोसेस हैव टू बी गिवन और नॉट, या टू रिकवर फ्रॉम अ डेडलॉक। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या करता है, हमें क्या करना है, डेडलॉक को प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट मतलब देखो, प्रिवेंट करने का मतलब है कि पहले आप उसको डेडलॉक कंडीशन में जाने दें और उसके बाद उसमें प्रिवेंशन करें, राइट। क्या करेक्ट आंसर होगा डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए, जल्दी से बताओ। देखो डेडलॉक प्रिवेंशन में आपके कितने कंडीशन होल्ड कर दिए, चार कंडीशन, और वो चारों कंडीशन अगर होल्ड करिए तब तो कंफर्म है कि आपका डेडलॉक तो अकर हो रहा है। ठीक है, अगर चारों कंडीशंस आपकी हैं कि एक रिसोर्स है जो कि नॉन शेयरेबल मोड पे है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया। उसके बाद एक है कि नॉन प्रिम्पशन, अगर उसने रिसोर्स ले लिया तो जब तक पूरा नहीं करेगा अपना प्रोसेस तब तक जो भी अपना प्रोसेस है उसको बिना कंप्लीट किए वो उस रिसोर्स को नहीं छोड़ेगा, नॉन प्रिम्पशन वाली कंडीशन, होल्ड एंड वेट की, एक होल्ड करके बैठा है दूसरे के लिए वेट कर रहा है, राइट। तीसरी कंडीशन, और चौथी क्या है, सर्कुलर वेट। तो इन चारों में से कोई भी एक अगर आपकी अकर हो रही है, टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट होल्ड, हमें क्या करना है, डेडलॉक प्रिवेंशन इज अ सेट ऑफ मेथड्स टू इंश्योर, हम प्रिवेंट करते हैं, देखो चार कंडीशन है, उन चार में से अगर एक भी होल्ड नहीं करी है तो हम डेडलॉक प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं, राइट। तो जो चार कंडीशन है उनमें से एक भी होल्ड नहीं करेगी तो डेडलॉक प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं बी नहीं होगा, टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ द नेसेसरी कंडीशन डू नॉट होल्ड। देखो इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल कि सारी, एक जो सर्कुलर वेट वाली कंडीशन होती है ना वो थोड़ा सा हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि सर्कुलर वेट ना हो, बट ऐसा नहीं कह सकते कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली कंडीशन भी कभी अकर ना हो, या आपकी होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन भी कभी अकर ना हो, या फिर आपकी नॉन प्रिम्पशन। तो ये सारी कंडीशन नेसेसरी ज़रूर है, बट इनमें से अगर एक भी कंडीशन नहीं फॉलो कर रही है तो डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकता है, राइट। तो
ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि चार की चारों कंडीशन आप कह दें कि नहीं, जिसमें ये चारों कंडीशन नहीं होंगी वही डेडलॉक में नहीं जाएगा, बाकी सारे डेडलॉक में जाएंगे। चलो नेक्स्ट है, फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज लाइक अ प्रिंटर म्यूचुअल एक्सक्लूजन मस्ट एग्जिस्ट, मस्ट नॉट एग्जिस्ट, मे एग्जिस्ट या नन ऑफ द मेंशनड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक रिसोर्स है नॉन शेयरेबल रिसोर्स। नॉन शेयरेबल रिसोर्स का सिंपल सा मतलब है कि एक टाइम पे इस रिसोर्स को सिर्फ एक ही व्यक्ति शेयर कर सकता है, उस यूज़ कर सकता है, उससे ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं नॉन शेयरेबल रिसोर्स, राइट। चलो तो क्या करेक्ट हो जाएगा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल सही बात है, करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये नॉन शेयरेबल है, नॉन शेयरेबल में ही तो हम ये डिसाइड करते हैं ना कि जो भी रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब वो अकेला उस रिसोर्स को, सब लोग डिसाइड करो और वो एक व्यक्ति या एक प्रोसेस अकेला उस रिसोर्स को एक्सेस करेगा, तो मस्ट एग्जिस्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, मस्ट नॉट। आप खुद सोचो, अगर नॉन शेयरेबल रिसोर्स है ना, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब जितने भी मान लीजिए दो प्रोसेस ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया और दोनों को ये ग्रांट हो गया, ठीक है, तो अब कन्फ्लिक्ट अकर हो गया कि कौन सा वाला पहले कौन सा वाला बाद में, राइट। तो जब भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन रहेगा तो ये पता है कि जो पहले आया है उसको पहले, जो बाद में आया है वो बाद में, या फिर प्रायोरिटी बेसिस पे, राइट। तो ए आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अमन गुड़िया, जो भी बी ऑप्शन कर रहे हैं प्लीज इसको करेक्ट करें, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, अपने आप कंफ्यूजन नहीं होगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, नॉन शेयरेबल और शेयरेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। चलो, फॉर शेयरेबल रिसोर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड, मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड या नन ऑफ द अबव। और आपको पता है अगर नॉन शेयरेबल रिसोर्स के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन जरूरी है तो शेयरेबल रिसोर्स, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, शेयरेबल रिसोर्स का मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक टाइम पे इस रिसोर्स का यूज़ कर सकती हैं। तो जैसे ही हमने बोला कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस इसका इस्तेमाल करी है तो एक्सक्लूजन वाली तो बात ही नहीं रह गई, राइट। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज, राइट। अब यहाँ ये मत सोचना कि जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर नॉन शेयरेबल कैसे होगा, उसको तो हम शेयर कर रहे हैं। ये नॉन शेयरेबल रिसोर्स का मतलब एक टाइम पे, एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस उसको यूज कर रही है, ठीक है, क्योंकि डेडलॉक आकर ही हो रहा है आपके शेयरेबल एनवायरमेंट में, लेकिन वो कैसा है, शेयरेबल एनवायरमेंट में नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज का यूज करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 114 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अमन, प्रदीप, गुड़िया सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, और भी जितने लोग जुड़े हैं प्लीज़ आंसर करने की कोशिश करें, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि आपका है, ठीक है। अगर आप वीडियो में दो मिनट भी दे रहे हैं तो उस दो मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर करके जाओगे ना, तो ये होगा कि एटलीस्ट आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। पैसिवली पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप देखो, आप मल्टीपल रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत सारे आप अगर ब्लॉगर हैं तो बहुत सारी ब्लॉगिंग आइडियाज़ आते हैं, DIY आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती हैं, राइट। बट 15-15 सेकंड में देख के आप ख़त्म कर रहे हैं एक मिनट में, क्या वो सारी चीज़ें आप ग्रैब कर पाते हैं? आपको लगता है आपको आ गई बट नहीं आती है। तो जब तक आप हाथ पैर नहीं चलाते ना, चीज़ें आपके पास नहीं आती हैं, वो आपकी नहीं बनती हैं, ठीक है। तो अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तब आपको समझ में आता है कि वो चीज़ आपकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर सभी लोग करो, क्वेश्चन नंबर 115, टू इंश्योर दैट द होल्ड एंड वेट कंडीशन नेवर अकर्स इन द सिस्टम, इट मस्ट बी इंश्योर दैट होल्ड एंड वेट कंडीशन कभी ना आकर हो, उसके लिए हमें क्या इंश्योर करना चाहिए? वेन एवर अ रिसोर्स इज रिक्वेस्टेड बाई अ प्रोसेस इट इज नॉट होल्डिंग एनी अदर रिसोर्स। अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है तो वो कोई दूसरा रिसोर्स होल्ड करके ना रखे, पहली कंडीशन। दूसरा, ईच प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट एंड बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगिंस इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट, यही क्वेश्चन है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के पहले ही जो भी प्रोसेस है उसको सारे के सारे रिसोर्सेज दे दिए जाएं, ठीक है। तीसरा है, अ प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट इज
नन। एक प्रोसेस तभी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी जब उसने कुछ भी होल्ड करके नहीं रखा है। तो कौन सी कंडीशन है इनमें से कि होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन नहीं बनेगी? होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन ना बने उसके लिए कौन सी कंडीशन आपकी करेक्ट है? देखो, एक रिसोर्स है, पहले तो ये है कि अगर व्हेनेवर अ रिसोर्स इज रिक्वेस्टेड बाय अ प्रोसेस, वो कोई कुछ भी होल्ड करके ना रखे, है ना, कुछ भी होल्डिंग में नहीं है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन नहीं बनी। दूसरा है, ईच प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्टेड एंड बी एलोकेटेड ऑल द रिसोर्सेज, कि जैसे ही किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो जितने भी रिसोर्स उसको चाहिए वो पहले ही लेके तब आगे बढ़ेगा, तो भी होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन नहीं बनेगी। थर्ड है, अ प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट हैज नन, अगर कोई भी रिसोर्स वो होल्ड करके नहीं रख रहा है तभी वो रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो भी आपकी होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन नहीं बनेगी। तो तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन। यस, वेरी गुड। अमन, व्हाट हैपेंड? प्रदीप, एक बार प्लीज स्टेटमेंट्स को पढ़ें और उसके बाद आंसर करें, ठीक है? गुड़िया ने सही आंसर किया है। रवि, वेरी गुड। स्मृति, क्या हो गया? चलो, अच्छा, अमन जी ने भी अपना आंसर चेंज किया है, पहले ए दिया था और उसके बाद। चलो कोई बात नहीं, स्टेटमेंट्स को पढ़ो और उसके बाद आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 116, द डिसएडवांटेज ऑफ अ प्रोसेस बीइंग एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर बिगिनिंग इट्स एग्जीक्यूशन इज। 5 सेकेंड का टाइम ले लो और उसके बाद बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, कि डिसएडवांटेज क्या है किसी प्रोसेस का बीइंग एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर बिगनिंग इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब कोई एक प्रोसेस है और जब वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने जा रहा है उसके पहले ही उसको सारे रिसोर्स दे दिए गए हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है कि होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन नहीं बनेगी, बट इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि एक प्रोसेस सारे रिसोर्सेज पहले लेके रख रहा है उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी? हो सकता है कि स्टार्टिंग के, मान लीजिए एक प्रोसेस को 5 रिसोर्स हमने दे दीजिए, प्रोसेस P1 है, P1 को 5 रिसोर्स दिए, अब इन 5 रिसोर्स और ये इस प्रोसेस को मान लीजिए 5 मिनट एग्जीक्यूट करना है ना, इसका बस टाइम है 5 मिनट, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग के 2 मिनट मान लीजिए इसको सिर्फ 3 रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है, उसके बाद अगले 2 मिनट में इसको एक और रिसोर्स की जरूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल यूज किए इसने 4, और लास्ट के 5वें मिनट में, लास्ट का जो 1 मिनट है उसमें इसको एक और रिसोर्स की जरूरत है, पहले 3 था, यहाँ पे 3 प्लस 1, एक रिसोर्स और ऐड हो गया, अब 3 प्लस 1 प्लस 1 रिसोर्स, राइट, इस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कि जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो कम हो रहा है, राइट, कि मान लीजिए स्टार्टिंग में इसने सिर्फ 3 रिसोर्स यूज किए, उसके बाद ये जो 2 हैं इसने जबरदस्ती होल्ड करके रखे हैं, हो सकता है इन रिसोर्सेज का यूज कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा प्रोसेस कर सकता था, राइट, तो ये इन्हीं सब की प्रॉब्लम की वजह से एक बार हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, डेडलॉक अगर आ रहा है तो हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर लेंगे, बट रिसोर्स तो हमारे यूटिलाइज हो जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपका क्या हो गया, कम हो गया, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, वेरी गुड। बी, ठीक है, अमन, रवि, ठीक है, सभी लोग सही आंसर करें। सीपीयू यूटिलाइजेशन लो नहीं होगा प्रदीप जी, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन लो होगा, ठीक है, डेडलॉक अगर हमने सारे रिसोर्सेस पहले दे दिए तो। सीपीयू यूटिलाइजेशन तब होगा कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाह रहा है और वो तब तक सीपीयू को होल्ड करके रखेगा जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाए, चाहे वो इनपुट आउटपुट एक्सेस कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसने सीपीयू को तब तक होल्ड करके रखा है जब तक वो एग्जिट नहीं करता है, ठीक है, तो यहां पे सीपीयू का यूटिलाइजेशन लो होगा, ठीक है। चलो, वन वे टू इंश्योर दैट द सर्कुलर वेट कंडीशन नेवर होल्ड इज टू, कि सर्कुलर वेट कंडीशन कभी होल्ड नहीं करेगी, उसके लिए क्या कर सकते हैं, इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज टाइप एंड टू डिटरमाइन वेदर वन प्रोसीड अनदर इन द ऑर्डरिंग, हम एक ऑर्डर में प्रोसीड कर रहे हैं, टू नेवर लेट अ प्रोसेस एक्वायर रिसोर्सेज दैट आर हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस एंड टू लेट अ प्रोसेस वेट फॉर ओनली वन रिसोर्स एट अ टाइम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 117 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखो हमें क्या इंश्योर करना था, नॉन प्रिम्पशन या नो प्रिम्पशन, प्रिम्पशन क्या, प्रिम्पशन मतलब होता है स्विचिंग, और हमें स्विचिंग नहीं करनी है, तो स्विचिंग नहीं इंश्योर करने के लिए, कि स्विचिंग नहीं करनी है उसके लिए ये है कि या तो सारे रिसोर्सेज हमने होल्ड करके रखे हुए हैं और फिर हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें, या फिर अगर हमें
रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सारे रिसोर्स छोड़ देंगे और उसके बाद जब सारे रिसोर्स मिलेंगे उस टाइम पे एक्वायर करेंगे, राइट। नो प्रिम्पशन आपका एक कंडीशन है डेडलॉक का, है ना। तो डेडलॉक ना कर हो, डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए हमने सारे रिसोर्सेज छोड़ दिए और जब अवेलेबल होंगे उस टाइम पे हम उसको एक्वायर करेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 118, अगर हमें सर्कुलर वेट कंडीशन कभी ना आकर हो ये इंश्योर करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज टाइप्स एंड टू डिटरमाइन वेदर वन प्रसीड अनदर इन द ऑर्डरिंग। तो अगर हमें ये ऑर्डर पता होगा, पहले से ही हमें ये पता है कि कितने रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से प्रोसेस कौन कौन सी रिसोर्सेज को यूज करिए और उसी ऑर्डर में हम प्रोसीड करेंगे तो हमारा सर्कुलर वेट वाली कंडीशन अगर नहीं होगी, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए, ठीक है। बी क्या कह रहे हैं, टू नेवर लेट अ प्रोसेस एक्वायर रिसोर्सेज दैट आर हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, जो टू नेवर लेट अ प्रोसेस एक्वायर रिसोर्सेज दैट आर हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस, सर्कुलर वेट। यस सी, एक तरह से बी कंडीशन अगर आप देखो कि हम प्रोसेस को दूसरे रिसोर्स एक्वायर नहीं करने दे रहे हैं जो कि दूसरे प्रोसेस द्वारा होल्ड किए गए हैं। सी कह रहा है टू लेट अ प्रोसेस वेट फॉर ओनली वन रिसोर्स एट अ टाइम, तो ऐसा नहीं कि एक रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं तो सर्कुलर वेट वाली कंडीशन नहीं बनेगी, राइट। हो सकता है कि तीन उसने एक्वायर कर लिए हैं और एक के लिए वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, तीन उसके पास है एक के लिए वो वेट कर रहा है, राइट। ये प्रोसेस है, ये उसके रिसोर्सेज है और इस रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा है और इस रिसोर्स को इसने होल्ड करके रखा है और इसके लिए ये प्रोसेस है, इसके लिए वेट कर रहा है, तो सर्कुलर वेट वाली कंडीशन तो बनी जाएगी ना। तो बी एंड सी आपके नहीं होंगे, ए ऑप्शन आपका केवल करेक्ट होगा, नहीं डी नहीं होगा। देखो सी आप अगर आप पढ़े, बी पढ़ो पहले, टू नेवर लेट अ प्रोसेस एक्वायर रिसोर्सेज दैट आर हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। क्या हम अगर ये कर दें, सिंपल सी बात है, ये एक रिसोर्स, ये एक प्रोसेस है और ये एक प्रोसेस है, राइट। अब इस प्रोसेस ने ये रिसोर्स होल्ड किया है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक मान लीजिए रिसोर्स है, इस प्रोसेस ने इस रिसोर्स को होल्ड किया है। अगर इस स्टेटमेंट पढ़े, नेवर लेट अ प्रोसेस एक्वायर रिसोर्सेज दैट आर हेल्ड बाय अदर प्रोसेस, मतलब अगर इसने इसको होल्ड किया है, लो ये इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। और एक रिसोर्स इसने होल्ड करके रखा है, एक रिसोर्स इसने होल्ड करके रखा है, ये मान लीजिए आर वन है और ये आर टू, ठीक है, एक इसने होल्ड करके रखा है, एक के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या ये सर्कुलर वेट की कंडीशन बन रही है, नहीं बन रही है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी इसके इसने कोई रिसोर्स होल्ड करके रखा है और ये वेट कर रहा है तो सर्कुलर वेट वाली कंडीशन ही बनेगी, राइट। सर्कुलर वेट वाली कंडीशन तब बनती है जब दोनों लोग रिसोर्सेस होल्ड करते हैं और दोनों लोग वेट भी कर रहे हैं कि ये रिसोर्स छोड़े तो मैं एग्जीक्यूट करूं, ये वेट कर रहा है कि ये रिसोर्स छोड़े तो मैं एग्जीक्यूट करूं, राइट। तो इस वजह से बी भी आपका गलत हो जाएगा और सिर्फ ए और ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सर्कुलर वेट वाली कंडीशन ना ही इस कंडीशन में बन रही है ना ही इस कंडीशन में बन रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, ईच रिक्वेस्ट रिक्वायर्स दैट द सिस्टम कंसीडर द डैश टू डिसाइड वेदर द करेंट रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड और मस्ट वेट टू अवॉइड अ फ्यूचर पॉसिबल डेडलॉक। अच्छा फिर से पढ़ो इसको, क्या बोलना चाह रहे हैं, रिक्वायर्स एट द सिस्टम कंसीडर द डैश टू डिसाइड वेदर द करेंट रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड और मस्ट वेट टू अवॉइड अ फ्यूचर पॉसिबल डेडलॉक। यस, ये कह रहे हैं कि हमें किस मतलब मेरे हमें क्या चेक करना चाहिए फ्यूचर डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए। सिंपल सा स्टेटमेंट है ये कि ईच रिक्वेस्ट रिक्वायर्स दैट द सिस्टम कंसीडर द डैश टू डिसाइड वेदर द करंट रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड और मस्ट वेट, मतलब अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको वो ग्रांट कर देना चाहिए या उसको वेट कराना चाहिए, ये किसको देख के हम डिसाइड कर सकते हैं, ये आपको बताना है। रिसोर्सेज करेंटली अवेलेबल या प्रोसेसेस दैट हैव प्रीवियसली बीन इन द सिस्टम या रिसोर्सेज करेंटली एलोकेटेड टू ईच प्रोसेसेस या फ्यूचर रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ द प्रोसेस। तो सिंपल सी बात है, आप अगर फ्यूचर की बात करेंगे कि फ्यूचर में कौन सी रिक्वेस्ट एंड रिलीज प्रोसेस, मतलब कौन से रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा कौन से रिसोर्सेज के लिए नहीं, तो अभी हम फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, तो इस वजह से डी ऑप्शन तो आपका गलत है कि फ्यूचर में प्रोसेस कौन कौन से रिक्वेस्टेड को से डील करने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें
रिसोर्स करेंटली अवेलेबल, राइट। अगर हमें ये पता है कि हमारे पास पांच रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पांच। नाउ अब इन पांच रिसोर्सेज के बेसिस पे मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे इस प्रोसेस को रिसोर्स ग्रांट करना है या अभी नहीं ग्रांट करना। मान लीजिए इस प्रोसेस को छह रिसोर्सेज चाहिए, तो मेरे पास तो सिर्फ पांच है, तो अभी तो हम ग्रांट नहीं करेंगे, राइट। या फिर मान लीजिए एक से ज्यादा प्रोसेस है, एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2, राइट। तो P1 को मान लीजिए फोर चाहिए और इसको चाहिए सिक्स, तो किसको ग्रांट करना है, इसको। मांग कौन रहा है, ये, तो हम इसको होल्ड करेंगे या ग्रांट करेंगे, अभी के लिए होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको सिक्स रिसोर्स चाहिए, तो जब बाकी रिसोर्स खाली होंगे तब। तो जितने रिसोर्स अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किसी प्रोसेस को रिसोर्स ग्रांट करना है या रिसोर्स उसको होल्ड पे रखना है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रिसोर्सेज करेंटली अवेलेबल, या बी, आप देखो प्रोसेसेस दैट हैव प्रीवियसली बीन इन द सिस्टम, जो प्रोसेस पहले से सिस्टम में थे और एग्जीक्यूट करके चले गए, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। सी क्या है, रिसोर्सेज करेंटली एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस, और प्रेजेंट टाइम पे जो रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए गए हैं उनपे क्या, उनपे ये डिपेंड नहीं करता कि आगे के रिसोर्सेज हम एलोकेट करें या नहीं करें। किस पे डिपेंड करता है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज रिक्वेस्ट के बराबर है तो हम ग्रांट कर देंगे, अगर रिक्वेस्ट से कम है तो हम उस प्रोसेस को होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। प्लीज सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज समझनी है और उसके बाद ही आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इन्होंने थोड़ा घुमा के दिया है। ईच रिक्वेस्ट रिक्वायर्स दैट द सिस्टम कंसीडर द, कि हर रिक्वेस्ट को चाहिए या जितनी भी प्रोसेस रिक्वेस्ट करी है उसको चाहिए कि सिस्टम क्या कंसीडर करे, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको, किसके लिए, टू डिसाइड वेदर द करेंट रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड और मस्ट वेट टू अवॉइड अ फ्यूचर पॉसिबल डेडलॉक, ठीक है। आई होप ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, गिवन अ प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट द डैश नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप दैट मे बी रिक्वेस्टेड फॉर ईच प्रोसेस, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एल्गोरिदम दैट इंश्योर्स दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। चलो ये कह रहे हैं कि हमको ना एक एल्गोरिदम कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, कि सिस्टम हमारा डेडलॉक स्टेट में कभी ना जाए। उसके लिए कौन सी चीज हमें चाहिए, ये बात पूछ रहे हैं, उसके लिए आपको कौन सी चीज चाहिए। चलो आंसर करो, गिवन अ प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट, मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, एवरेज नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, मैक्सिमम नंबर या अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन चाहिए। चलो आंसर करो सभी लोग, कि देखो आपके पास अगर ये आपको पता हो कि आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने जरूरी हैं किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तब आप एक एल्गोरिदम डिजाइन करेंगे और सिस्टम डेडलॉक कंडीशन में नहीं जाएगा। या आपको पता हो कि अप्रोक्सीमेटली इतने चाहिए और हमने एक एल्गोरिदम डिजाइन कर दी इस अप्रोक्सीमेट के चक्कर में और फिर वो डेडलॉक कंडीशन में नहीं जाएगी, या हमें पता हो कि इस प्रोसेस को मैक्सिमम इतने रिसोर्स चाहिए और उसके बेसिस पे हमने एल्गोरिदम डिजाइन की और अब डेडलॉक कंडीशन नहीं अकर होगी, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो अब आपने अगर आंसर किया मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ये अगर आपने ये कहा कि मिनिमम, देखो दो चीजें होती है, एक टर्म है कि मुझे मिनिमम इतना तो चाहिए और मुझे मैक्सिमम इतना तो चाहिए, राइट। तो अगर आपने इस बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि मिनिमम, जैसे होता ना कि मिनिमम 40 नंबर तो चाहिए पास होने के लिए, राइट, अगर आपने ये किया मिनिमम 40 नंबर तो चाहिए पास होने के लिए, है ना, और इसके बेसिस पे आपने एल्गोरिदम डिजाइन कर दिया, और मान लीजिए अब नंबर जब एग्जाम हुआ तो बहुत सारे धुरंधर बैठे और आपको चाहिए 50 नंबर पासिंग मार्क्स, ठीक है, तो अब तो डेडलॉक वाली कंडीशन आ गई, आप तो लिस्ट से बाहर हो गए, राइट। यहां पे क्या है, अगर आपने ये कह दिया कि मैक्सिमम मुझे 100 नंबर का पेपर है ना, मैक्सिमम मुझे 100 चाहिए पास होने के लिए, क्या आप कभी भी फेल होने के चांसेस हैं, नहीं है। तो हमेशा जब हम ये इस पे बात करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज इतने चाहिए कि इससे ज्यादा तो एक्सीड हो ही नहीं सकता, राइट, 100 के पेपर में 101 नंबर थोड़ी ना लेकर आना है, ठीक है। तो ये आपका किस पे बेस्ड होगा, मैक्सिमम पे, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ना कि ए। प्रदीप ने सही आंसर किया है, बाकी रवि, अमन प्लीज एक बार फिर से स्टेटमेंट को समझो, स्टेटमेंट समझ के तो ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, जितने लोग जुड़े हो सभी लोग आंसर करने की कोशिश करो। कहाँ गए सब, गुड़िया और स्मृति सब लोग कहाँ हैं? चलो, अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम डायनेमिकली एग्जामिन्स द डैश टू इंश्योर दैट अ सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट। अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम डायनेमिकली एग्जामिन्स द डैश टू इंश्योर द अ सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट। क्या एग्जामिन करता है वो? रिसोर्स एलोकेशन स्टेट, सिस्टम स्टोरेज स्टेट, ऑपरेटिंग सिस्टम या रिसोर्सेस। किसको एग्जामिन करता है जिससे कि सर्कुलर वेट वाली जो कंडीशन है वो अकर ना हो? क्वेश्चन नंबर 121। और किसकी बात करें हम? एक तरह से बैंकर्स एल्गोरिदम की बात करें क्योंकि डेडलॉक अवॉइडेंस की बात है, ठीक है? तो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम डायनेमिकली एग्जामिन द डैश टू इंश्योर दैट अ सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर अकर। तो किसको एग्जामिन किया जाता है? रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ए, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को एग्जामिन किया जाता है सर्कुलर वेट कंडीशन अकर ना हो इसके लिए, ठीक है? हम चेक करते हैं कि जो रिसोर्सेज हमने एलोकेट किए हैं कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा उसको होल्ड करके बैठा है और उसके लिए वही रिक्वेस्ट कर रहा है जिसने उसको, मतलब जिसने किसी दूसरे रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा है, ठीक है? तो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को चेक किया जाता है। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। अ स्टेट इज सेफ, एक स्टेट सेफ होगी, स्टेट सेफ स्टेट कब होगी? इफ द सिस्टम डज नॉट क्रैश ड्यू टू डेडलॉक अकरेंस, द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड अ डेडलॉक, या द स्टेट कीप्स द सिस्टम प्रोटेक्टेड एंड सेफ। चलो क्वेश्चन नंबर 122 सभी लोग आंसर करो। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल 125 क्वेश्चन, ठीक है? तो दो चार क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से सभी लोग आंसर करें। अ स्टेट इज सेफ, एक स्टेट को आप सेफ कब बोल सकते हैं, ठीक है? जब द सिस्टम डज नॉट क्रैश ड्यू टू डेडलॉक अकरेंस, मतलब सिस्टम सेफ स्टेट तब होगी जब सिस्टम आपका क्रैश नहीं हो रहा है, या फिर द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड अ डेडलॉक, कि हम रिसोर्सेज एलोकेट करते चले जा रहे हैं और डेडलॉक को अवॉइड करें, कि अगर हमने इसको इतने रिसोर्सेज, इस प्रोसेस को इतने रिसोर्सेज दे दिए तो डेडलॉक आकर नहीं होगा, तो तब तक क्या वो स्टेट सेफ है? बिल्कुल। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं कि जब आपका सिस्टम मतलब पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है और डेडलॉक आकर नहीं हुआ है, सिस्टम क्रैश नहीं हुआ है, तभी आप सिर्फ सेफ स्टेट बोलेंगे। सेफ सेफ स्टेट इन बिटवीन भी हो सकती है, ठीक है? लास्ट में हमें मिलता है सेफ सीक्वेंस, स्टेट्स आपकी बीच में आती हैं, राइट? तो जब हमने कोई रिसोर्स एलोकेट किया उसके बाद भी डेडलॉक अकर नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेफ स्टेट, राइट? तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द स्टेट्स कीप द सिस्टम प्रोटेक्टेड एंड सेफ। नहीं, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, अ सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सेफ एलोकेशन, सेफ रिसोर्स या सेफ सीक्वेंस। एक सिस्टम सेफ स्टेट में होगा जब क्या एग्जिस्ट करता है? एक सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, सेफ रिसोर्स एग्जिस्ट करते हैं, सेफ एलोकेशन एग्जिस्ट करता है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा करेक्ट। वेरी गुड, सेफ सीक्वेंस, यस। तो सी सॉरी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेफ सीक्वेंस, ठीक है? तो इसमें कुछ बताना नहीं है कि सेफ स्टेट के लिए आपको क्या चाहिए, सेफ सीक्वेंस। एक क्वेश्चन है आगे, उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज सेफ स्टेट एंड सेफ सीक्वेंस, ठीक है? चलो नाउ, ऑल अनसेफ स्टेट्स आर डेडलॉक्स, नॉट डेडलॉक्स, फैटल या नन ऑफ द मेंशन। इस क्वेश्चन का आंसर करो, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, पहले आप लोग सभी लोग आप इसका आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। चलो कौन कौन आंसर बताने वाला है? अमन, रवि, प्रदीप, गुड़िया, स्मृति और कौन था, मृत्युंजय, कहाँ गए सब? सभी लोग आंसर करो इसका। जल्दी से सभी लोग आंसर करें। 123 का सी, नहीं,
सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, डी नन ऑफ द मिशन. देखो ऑल अनसेफ स्टेट्स आर नॉट डेड लॉक्स. देखो कोई जरूरी नहीं है कि आपको दिख रहा है कि ये अनसेफ स्टेट में जा रहा है तो आगे चल के डेड लॉक ही अकर होगा. अनसेफ स्टेट क्या हो सकती है कि कुछ रिसोर्सेस होल्ड करके रखे हैं, कुछ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो देखने में तो लग रहा है ना कि ये तो अनसेफ स्टेट है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आगे चल के वो ऐसा हो कि वो प्रोसेस रिसोर्सेस दे ही ना और एग्जीक्यूशन आगे पॉसिबल ही ना हो. ठीक है, तो सारी अनसेफ स्टेट्स आपकी डेडलॉक की तरफ लीड नहीं करती हैं. यहाँ पे मे और मे नॉट वाली कंडीशन आती है कि अनसेफ स्टेट मे और मे नॉट लीड्स टू डेडलॉक. ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ना कि ए. ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 124 का याद रखो कि सारी अनसेफ स्टेट्स आपकी डेडलॉक ही नहीं होती हैं, मे और मे नॉट वाली कंडीशन होती है. ठीक है, डेडलॉक हो भी सकती है कि पता चला अनसेफ स्टेट्स है और आगे चल के वो इतना ज्यादा अनसेफ हो गई कि वेट ही करिए, सर्कुलर वेट कंडीशन में पहुंच गई, राइट, तो डेडलॉक हो गया. आगे चल के हो सकता है, जैसे होता नहीं कि कई बार हम मुश्किल मुश्किल में फंसते हैं बट वहां से निकल भी जाते हैं, तो हमेशा नहीं कि हर बार आप अगर मुश्किल में हैं तो हर बार आप फंसेंगे ही, कई बार हम निकल भी जाते हैं. ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि सारी अनसेफ स्टेट्स जो है वो डेडलॉक नहीं होती हैं. ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो अभी थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें आपने पढ़ी हैं उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है उसको आप देख लो, और आज के सेशन में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, यस, मे और मे नॉट बी इन डेडलॉक कंडीशन. चलो नेक्स्ट, अ सिस्टम हैज 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स एंड 3 प्रोसेसेस. एक सिस्टम में रिसोर्सेज कितने हैं? 12. कितने रिसोर्सेज हैं टोटल? 12 रिसोर्सेज हैं. और प्रोसेसेस कितनी हैं? 3, P0, P1 एंड P2. 3 प्रोसेस हैं. प्रोसेस P0 रिक्वायर्स 10 टेप्स. मतलब अगर प्रोसेस P0 को प्रोसेस करना है तो मैक्सिमम कितनी चाहिए? 10 टेप चाहिए. P1 को कितनी चाहिए? 4 टेप चाहिए. और P2 को कितनी चाहिए? 9 मैग्नेटिक टेप चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए. ठीक है, और यहां पे एक स्टेट दी गई है करेंटली एलोकेटेड. प्रेजेंट टाइम पे P0 ने होल्ड किया है 5, P1 ने होल्ड किया है 2 और P2 ने होल्ड किया है 2. आपको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ सेफ सीक्वेंस. इनमें से कौन सा सीक्वेंस आपका सेफ सीक्वेंस है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने टोटल रिसोर्सेज हैं. तो टोटल रिसोर्सेज हैं हमारे पास 12. ठीक है, टोटल रिसोर्सेज हैं 12. और कितने आपके पहले से यूज हो चुके हैं? तो करेंटली यूज कितने हैं? 5, 2, 4, 5, 2, 7, 7, 2, 9. यहाँ पे 9 आपके यूज हो रहे हैं. समझ रहे हो कि 9 इन तीनों प्रोसेस द्वारा 9 टेप्स तो यूज हो रही हैं. ठीक है, 12 थी, 12 में से 9 टेप आपकी यूज में है तो कितनी बच गई? 3. अवेलेबल कितनी है आपके पास? अवेलेबल है आपके पास 3. ठीक है, 3 टेप आपके पास क्या है? अवेलेबल है. यहां पे 5 इसने होल्ड किए, 2 इसने होल्ड किए, 2 इसने होल्ड किए. अब टोटल इसको कितनी चाहिए थी? 10. 5 इसके पास पहले है तो जरूरत कितनी है? जरूरत कितनी है इसकी? तो 10 - 5 = जरूरत. इसको जरूरत है 5 की. 4, 2 पहले से होल्ड करके रखा है इसने तो कितनी जरूरत है? 2 की. 9, 9 में से 2 पहले से होल्ड करके रखा है तो जरूरत है 7 की. ठीक है, आपके पास कितने अवेलेबल है? 3. अब इन तीनों में से किसको पहले आप दोगे? इसको जरूरत है 5 की, इसको 2 की, इसको 7 की. आपके पास 3 है तो किस प्रोसेस को आप पहले एलोकेट कर दोगे जिससे कि वो अपने इसके पास पूरा हो जाए, वो अपना प्रोसेस जब कंप्लीट कर ले सारे रिसोर्सेज छोड़ दे उसके बाद दूसरे को दे दिया जाएगा. तो यहां देखो हमारे पास 3 है तो हम P1 को दे सकते हैं, है ना? P1 को सिर्फ 2 चाहिए, राइट. जैसे ही इसको मैंने 2 प्रोसेस दे दिए, अब इसके पास 4 पूरे हो जाएंगे और ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही कंप्लीट करेगा छोड़ देगा. तो हमने 2 3 में से 2 दे दिए P1 को. हमारे पास कितने बच गए? 2, सॉरी 1. हमारे पास कितना बच गया अब अवेलेबल में? सिर्फ 1, राइट. 2 दे दिया हमने इसको, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा P1, P1 का प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया, अब इसने रिसोर्सेस को छोड़ दिया तो कितने रिसोर्स हो जाएंगे हमारे पास? 4. जैसे ही कंप्लीट करेगा जितने रिसोर्सेस उसके पास थे छोड़ दिए उसने, 4. तो हमारे पास 1 + 4,
वन प्लस फोर कितना हो जाएगा, फाइव। अवेलेबल में हमारे पास कितना आ गया, फाइव। अब हमारे पास कितना अवेलेबल है, फाइव रिसोर्सेज अवेलेबल है, राइट। और ये आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। अब दो प्रोसेस बचे हैं, एक ये और एक ये। अब किसको एलोकेट कर दें, पांच हमारे पास है और इसको पांच चाहिए, तो दे दो पांच इसको। जैसे इसको पांच दिए, इसके पास दस हो गए और ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अब सारे रिसोर्सेज मिल गए इसको, ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो पी वन के बाद कौन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, पी जीरो। और जैसे ही उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसने दस के दसों रिसोर्स छोड़ देने हैं और हमारे पास अवेलेबल कितने हो जाएंगे अब, दस। ठीक है, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, दस रिसोर्स आ गए हमारे पास, उसने दस होल्ड किए थे, दस छोड़ दिए, दस आ गए, राइट। अब इसको कितने चाहिए, दो इसके पास पहले से थे, सात इसको चाहिए, राइट। तो हम सात इसको दे देंगे, तो हमारे पास कितने बच गए, तीन। सात हमने इसको दे दिए, इसके पास हो गए नौ। एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा और पी टू भी आपका लास्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगा और सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारा, सेफ। ठीक है, सीक्वेंस क्या हो गया, सेफ। तो कौन सा सीक्वेंस आएगा, इसके अलावा कोई भी सेफ सीक्वेंस इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, पी वन, पी जीरो एंड पी टू, वेरी गुड। पी वन, पी जीरो एंड पी टू, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, यही आप कुछ इस तरह से सोचो कि अगर पी वन एग्जीक्यूट कर रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास सिर्फ तीन रिसोर्सेज हैं, तो कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, क्या इसको दे सकते हैं। मान लो अगर इसको दे दिया तो बेचारे के पास फिर भी दो रिसोर्स बाकी हैं, वो वेट कंडीशन में ही रह जाएगा, ये लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक इनको मिलेगा नहीं, वेटिंग कंडीशन में ही रहेगा। ठीक है, तो सेफ सीक्वेंस तभी होगा जब आपने पहले पी वन को दे दिया, उसके बाद आपने पी जीरो को दिया और उसके बाद आपने पी टू को दिया। ठीक है, तो पी वन, पी जीरो, पी टू, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन है बीपीएससी का ये वाला और इजीएस्ट क्वेश्चन है एलटी ग्रेड का ये वाला। ठीक है, एलटी ग्रेड में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी भी एग्जाम में, आप अगर टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो उस वहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो हर एग्जाम में आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा एंड इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी लोगों को इसकी इससे हेल्प मिल सके। एंड हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, सभी लोग जानते हैं। चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हैव अ वेरी गुड डे।